Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is question number 2 from exercise 7.2, page number 123 from NCERT. This says, in triangle ABC, AB is the perpendicular bisector of BC. Is ABC mein AD BC ka perpendicular bisector hai? That means, ye wali side, is side ki equal hai. Perpendicular bisector, jis side pe ban raha hai, usko divide karega, aur ye angle 90 degree hai. So, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. हमें प्रूव करना है कि ये AB AC के इक्वल है. So, हमें गिवन है कि BD इक्वल है DC के and angle BDC, sorry, angle ABC इक्वल है angle ADB के equals to 90 degree. प्रूव हमें करना है कि ए बी इक्वल है ए सी के. प्रूव तो ए बी इक्वल टू ए सी लाना है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को पिक करेंगे. सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ए बी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी हमारे पास है BD इक्वल है CD के, ये गिवन है. एंड एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. थर्ड थिंग हमारे पास है, ये AD AD दोनों में कॉमन आ रही है. सो AD इज इक्वल टू DA कॉमन. सो हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं. सो ये दोनों ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के बाय, पहले सिर्फ एक ही ट्राइंगल में देखना है, एक साइड है हमारे पास, फिर एक एंगल और फिर से एक साइड. देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब सारी साइड, सारे एंगल्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स साइड ए बी इक्वल होगी साइड ए सी के. देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी डी. हेंस टू. सो दिस वॉज सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.